घर भी लास्ट है। हाँ हिल स्टेशन ही है ना। दिस वन 4.5। ओके, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट अ टी इक्वल्स टू जीरो। A particle starts from the origin at the t equals to 0 with a velocity of 5 i caret meter per second. अब ध्यान दो, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद डेटा निकालना आना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है ना, दैट मीन्स कि उसका उसका आर जीरो इनिशियल वैक्टर पोजिशन वैक्टर क्या है, 0 i caret प्लस 0 j caret। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो सेकंड थिंग, t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे वो ओरिजिन पे है, तो आर जीरो पोजिशन वेक्टर डिफाइन किया, और उसका वेलोसिटी कितना है t जीरो पे, 5 i caret। सो वेलोसिटी v जीरो वेक्टर इक्वल्स टू 5 i caret, अकेला दिया है तो j क्या होगा, 0। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट वन, मूव्स इन एन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस द कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन एक वर्ष तो क्या दिया है, 3i 2j, यहाँ पे यूनिट लिखना भूल गया, मीटर मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i caret प्लस 2j caret, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84। आपको पता लगाना है कि 84 जब एक्स कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, एंड वॉट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, उस टाइम पे स्पीड कितना होगा, तो टाइम भी तो आपको निकालना है। सो व्हाट डू यू हैव, देखो आर है, ए है और बी जीरो है, और आपको एक्स कोऑर्डिनेट बोला गया है, एक्स कोऑर्डिनेट 84 बोला गया है कि नहीं बोला गया है, किसी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 84 मीटर, देन आपको उस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू आर वेक्टर इक्वल्स टू कौन सा फैक्टर, कौन सा फॉर्मूला फॉर्म, आर जीरो बी जीरो वैक्टर इन टू टी प्लस 1/2 ए वैक्टर इन टू टी स्क्वेयर, ये कल करवाया था। फ्रॉम दैट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एक्स कंपोनेंट, आर की जगह पे एक्स आएगा, आर जीरो की जगह पे एक्स जीरो आएगा, प्लस बी जीरो एक्स इन टू टी प्लस 1/2 एक ही जगह पे ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, डन। अब देखो आपको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि एक्स कितना है 84, आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि आर जीरो इक्वल्स टू जीरो था, मतलब कि एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स जीरो जीरो है, प्लस वी जीरो एक्स, मतलब कि वी का एक्स कंपोनेंट कितना है 5, टी आपको पता नहीं है, फिर 1/2 ए एक्स का, ए का एक्स कंपोनेंट कितना है 3, टी आपको अगेन पता नहीं। सो पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, बट इस 2 को निकालना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 168 हो जाएगा, देन फिर इसको 0 तो 0 निकल गया, फिर ए 10t, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 निकल जाएगा, क्या बचेगा 3t स्क्वायर, और बट डिवाइड बाय 2 है ना, डिवाइड बाय 2 है तो निकल जाएगा। ओके, दैट इज नथिंग बट 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस, उधर जाएगा तो माइनस 168 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो 80 स्क्वायर प्लस bt प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ, इंप्लाइज a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 10, एन सी इक्वल्स टू, याद है ना ये वाला 10th का मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नाउ व्हिच फॉर्मूला इज देयर, टी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आप डी लिखते थे डिस्क्रिमिनेंट,
दैट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बट मैंने अंडर रूट डी की जगह पे उसका फॉर्मूला ही रख दिया। अब देखो दो चीज है, आप इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करके फैक्टर निकालो, उस फैक्टर का सब्सट्रैक्शन 10 होना चाहिए, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मगर 16 × 3 करोगे फिर वो बड़ा नंबर आएगा, उसका फैक्टर निकालना उससे ईजी हो जाएगा। माइनस बी की जगह पे कितना है, 10 प्लस और माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, ए कितना है 3 और सी कितना है माइनस 168 अपन 2 ए, ए कितना है 3 माइनस 10 प्लस और माइनस अंडर रूट, ये सबका मल्टीप्लीकेशन। बट ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 20 कितना था 16 था, ओके 16 अपॉन 2 × 3 = 6 That is equals to minus 10 plus or minus मिला होगे तो 2116 अंडर रूट निकालो उसका कितना आ रहा है 46 तो minus 10 plus 46 upon 6 एक किसके equals to था t equals to और t equals to minus 10 minus 46 upon 6 दो केस अलग कर लिए आंसर कितना है यहाँ पे 36/6 और t equals to -56/6 impossible। Why it is impossible? Point value तो आ सकता है, माइनस नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव होता है, टाइम नेगेटिव होता है, नहीं हो सकता। और यहाँ पे कितना है 6, मतलब कि 6 सेकंड लगेगा, कितना टाइम लगेगा 6 सेकंड। उन लोगों ने जो क्वेश्चन सेकंड पूछा ना, व्हाट इज दी सॉरी What is the y coordinate of the particle at that distance when x coordinate is 84? And what is the speed? Okay, time आपको find करना था, तो time कितना है वो 6 second. But आपको अरे वो तो quadratic equation का standard form है ना, 10th में पढ़ा quadratic equation को solve करने के लिए method discriminant है। ये वाला कि वो acceleration वाला ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका पावर 2 होता है वेरिएबल, वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक, ये आपको समझ क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड आप 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ के आओ, वही तो सीखना है, वही तो हमें पता लगाना है कि क्या ढूंढना है। देखो मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका डेटा निकाला सबका मीनिंग बोल बोल के, फिर इक्वेशन लिखा, फिर उस इक्वेशन का एक्स कंपोनेंट लिखा, देन जो दिया है, फिर आपको इसमें देखो अननोन क्या है आपका टाइम टी, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा तब तक वेलोसिटी नहीं मिलेगा, समझ में आया, उस टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करना। तो सबसे पहला टास्क क्या है टी फाइंड करने का। अब टी फाइंड करने जब मैं गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद उसका सॉल्यूशन देखा जो हम 10th में पढ़ के आए थे मेथड। अब जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने टाइम डिडक्ट कर लिया तो अब वापस वाई कंपोनेंट फाइंड करना था ना, तो वाई कंपोनेंट जहां पे हमने एक्स रखा था वहां पे वाई, जहां पे एक्स जीरो रखा था वहां पे वाई जीरो, जहां पे वी जीरो एक्स रखा था वहां पे वी जीरो वाई टी प्लस 1/2 80² डायरेक्ट लिख रहा था, बट क्या आएगा ए वाई आएगा, क्या आएगा y component a y into t square। अब देखो आपको इस y component को find करना है ना, तो आपको सब पता होना चाहिए y zero v zero y t a y t, इसलिए पहले t find कर लिया। Then अब देखो y zero initial vector कितना था 0 0, तो y zero zero है, v zero y भी कितना है 0, but a y कितना है
Let put the value. So this one is 0 plus this one is 0. तो फिर t का value put करने का मतलब नहीं है. 0 into t. 0 ही होने वाला है. 1 half ay. Ay कितना था? 2. और t कितना मिला था बेटा? 6 second. तो put here 6. Okay, so this 2 term are 0. 2 2 cancel. 6 का square. 36. उन्होंने मीटर दिया था किलोमीटर. मीटर ही था ना. Okay, then fine. That one is meter. आ गया? तो जब उसका x कोऑर्डिनेट 84 मीटर होता है, तब उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 36 मीटर. Independently हमने वहाँ पे जैसे लिखते थे ना, x equals to x zero v zero t plus one half t, तो वैसे ही दिना. Third chapter में जो भी हमने काम किया था, वैसे ही काम किया है. कुछ अलग करके नहीं किया. Then अब हमें क्या find करना है? Velocity. क्या find करना है? Velocity. तो ध्यान देना. Again kinetic equation apply करेंगे. According to v vector equals to v zero t आएगा. v0 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t. ऐसा था कि नहीं था? v इक्वल्स टू v0 प्लस a t. डन. ऐसा आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था. यहां पे उसको वेक्टर करके लिखना है. v वेक्टर इक्वल्स टू v0 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t. नाउ फ्रॉम दैट या तो फिर डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू लिखा हुआ है तो फ्रॉम नहीं लिखोगे तो चलेगा. डायरेक्टली कंपोनेंट में चले जाते हैं. x कंपोनेंट शॉर्टकट में पढ़ाऊं या लॉन्ग कट? शॉर्टकट कर ले थोड़ा, क्योंकि लंबा लंबा कंपोनेंट फाइंड करने नहीं जाते, डायरेक्टली वेक्टर रखते हैं. नाउ वेक्टर कौन सा है यहां पे? v0 वेक्टर कौन सा था? देखो v0 वेक्टर 5i कैरेट प्लस 0j कैरेट. So this one is 5i caret plus 0j caret. आ गया v0 vector का value. Plus a vector कौन सा था? 3n2. 3i caret plus 2j caret. और time कितना मिला? 6 second मिला था at that time. चलो. और therefore this one is 5i caret plus 0j caret. इस 6 को इधर multiply करो सबसे पहले. 6 is a 18i I carried और 6 to the, और आपको पता है कि I के साथ I plus होता है और J के साथ J. तो 5 and 18 23 I carried और 0 and 12 आ गया. velocity vector मिला. आपको क्या find करना था? What is the speed? Speed मतलब magnitude find करना पड़ेगा. Speed तो vector नहीं होता ना. उस vector का क्या होगा? Magnitude. So magnitude find करना है तो आप क्या करोगे? Therefore, v equals to किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है? Under root square of component. तो ये कौन सा कंपोनेंट है? 23. तो 23 का स्क्वायर. और ये y कंपोनेंट है तो y का स्क्वायर. मतलब कि 12 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144. 23 का 529 प्लस करना है और फिर अंडर रूट निकालना है. अंडर रूट 25.94 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है. अप्रोक्स 26 मीटर पर सेकंड. बोलो कोई डाउट? कंफर्म ना आएगा ना? समझ बेटा. ओके चलो ध्यान दो. पहले ये पढ़ लो. रिलेटिव वेलोसिटी इन अ टू डायमेंशनल. इससे पहले रिलेटिव वेलोसिटी हमने वन डायमेंशन में पढ़ा था. vba इक्वल्स टू vb माइनस va ऐसा इक्वेशन था, याद है ना? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो vba बोलते थे और दैट vba इक्वल्स टू vb माइनस va. सो ध्यान दो. द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इंट्रोड्यूस इन दिस सेक्शन मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन कैन बी इजीली एक्सटेंडेड इंक्लूडिंग मोशन इन द प्लेन. मोशन के कॉन्सेप्ट वही की वही है. सिर्फ फर्क क्या है, वहां पे विदाउट वेक्टर सिंबल लिखते थे, हम यहाँ पे वेक्टर सिंबल के साथ लिख रहे हैं. इक्वेशन तो मैंने वही यूज किया ना, r इक्वल टू r0 प्लस v0 t प्लस 1 हाफ t स्क्वायर. वहां पे सिंपल लिखते थे, यहाँ पे r वेक्टर इक्वल टू r0 वेक्टर
plus v0 vector into t plus 1/2 a vector into t. सिंबल किसका आ जाता है? वेक्टर का. और फिर अगेन डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना, यू कैन डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट्स. आप किस कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो? दो कंपोनेंट में. इसमें मैं आपको लंबे मेथड की बात कर रहा था ना, वो इस मेथड की बात कर रहा था. मैं अभी आपको सो ही कर रहा हूँ, तो लेटर ऑन आप चूज कर पाओ कि आपको कौन से मेथड से जाना है, कि मुझे एक ही बार सुनना पड़े. चलो ध्यान दो, जैसे अगर आपको x कंपोनेंट चाहिए, आप x कंपोनेंट में क्या लिखोगे? v0 vx equals to v0 x plus ax into t. So now what is the v0 x? x कंपोनेंट कौन सा था v का? 5. ओके, प्लस ax, x कंपोनेंट कितना था? 3 into 6. 5 plus 3 into 6 18. आंसर क्या है? 23. और लाइकवाइज vy equals to v0y plus ay into t. v0y कितना था? 0 प्लस ए वाई कितना था? 2 इंटू 6. आंसर कितना है? 12. और फिर जाके आप लिखते v वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैरेट प्लस वी वाई जे कैरेट. तो वी एक्स कितना था यहाँ पे? 23 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड. सो 23 आई कैरेट प्लस 12 जे कैरेट मीटर पर सेकंड आ गया. यही का यही एक दो तीन स्टेप में आया, और इसमें अलग अलग करके कर जाते हो. थोड़ा लंबा होता है बट इजी हो जाता है. इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है, उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं. देन बट थोड़ा मेथड लॉन्ग हो जाता है. ओके, यू कैन अडॉप्ट एनी वन ऑफ दिस टू मेथड. फाइनली फिर आपको मैग्नीट्यूड पे जाना है, तो इधर ही जाना पड़ेगा. ओके, सो वही चीज है. सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद द वेलोसिटी वी एंड वी बी, ईच विद रिस्पेक्ट टू सम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, से दैट इज ग्राउंड. Then the velocity of A relative to B. मैंने बोला था जिसके relative होता है ना वो आगे आएगा. Relative to that of B. Okay, that is my mistake. Relative to that of B. B के relative में A का velocity. तो जिसका velocity होता है वो आगे आता है, और जिसके reference में relative में होता है वो पीछे आता है. और B है, B. अगर ऐसा है velocity of B with respect to A, तो A पीछे चला जाता, B आगे आ जाता. और फॉर्मूला ऐसा रहता है, जो आगे होता है उसका वेलोसिटी पहले लेंगे, फिर माइनस, और जो पीछे है देन दैट इज द वेलोसिटी. अगर देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू दैट ऑफ ए, देन बी आगे आ गया. और यू कैन से दैट अगर यहाँ से मैं माइनस निकाल लेता हूँ, तो ये जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो अब जैसा ही बन गया. ओके, तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है? माइनस का. ओके, मतलब इसका मैंने आपको समझाया था, अगर भव्य मेरे से आगे और मैं पीछे हूँ, मैं ऐसा बोलूंगा भव्य मेरे से आगे है, मतलब मेरा रेफरेंस लिया तो भव्य कहा गया आगे. बट आप बोलोगे भव्य से मैं पीछे हूं, आपने रेफरेंस किसका लिया? भव्य का, तो पीछे हुआ. और दोनों का डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर आगे 10 किलोमीटर पीछे. बट आगे पीछे ही चेंज हो रहा है ना, तो प्लस और माइनस ही चेंज होगा. आगे की डायरेक्शन में प्लस, पीछे की डायरेक्शन में माइनस. क्लियर हो गया? तो बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम. Now 4.6, rain is falling vertically with the speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with the speed of 12 meter per second in a east to west direction. आगे आ गया है, उसमें विंड का स्पीड दिया था और सेम टू सेम दिया था 35 एंड 12. 37 इज आंसर. ओके, मैंने भी एक ही बार बोला. ओके, विंड का स्पीड था उसमें. किसका स्पीड था? विंड. अब इसमें वुमेन जा रही है बाइसिकल पे. देन व्हाट इज द डायरेक्शन शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? वहां पे वही था, वो बस स्टॉप पे बच्चा खड़ा था. बस स्टॉप पे लड़का खड़ा था, रेन गिर रही थी, बट विंड अचानक से विंड आ गए. ध्यान दो, रेन जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है. इसमें मैं आपको दो मेथड पढ़ाए थे, एक कंपोनेंट वाला मेथड पढ़ाया था, और एक वो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ाया था. देन सो ए रेन का डायरेक्शन हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बाइसिकल, क्योंकि आपका न्यूज होता है ऐसे एन ई डब्ल्यू एस. सिर्फ देखना पड़ेगा डायरेक्शन चेंज है कि नहीं है.
ओके ईस्ट टू वेस्ट है, दैट मीन सही है. देन अब देखो वी आर का मैग्नीट्यूड है 35 मीटर पर सेकेंड और वीबी का वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड. आपको क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दी ग्रेन. रिजल्टेंट वो किस में जा रहा है, क्योंकि दो वेलोसिटी मिक्स हो रहे हैं एक साथ, तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना है. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स बी वेक्टर इक्वल्स टू वी आर वेक्टर प्लस बी बी वेक्टर. कौन से मेथड से जाए? Therefore, v equals to या तो फिर v square equals to v r square plus v b square plus 2 v r let's check it out. check करो ध्यान दो 2VR VB cos theta. ध्यान दो where theta is the angle between VR and VB. जिस दो angle जो जो दो vector का resultant vector find करना है. ये method जब भी apply कर पाते हो जब आपके पास दो ही vectors का resultant vector find करना है. दो से ज्यादा तो इस method पे नहीं जा पाओगे. और ये दोनों के बीच का angle कितना है? 90. Okay, so you have to put value here. Now सबसे पहले तो VR. VR का square कितना है? 35 स्क्वायर, फिर इसका 12 स्क्वायर, फिर 2R 35 12 एंड cos 90. डू यू नो व्हाट इज द cos 90? अब उसके उसके लिए एकदम सिंपल सा मेथड समझाता हूँ, ध्यान देना. इस सर्कल को बोलते हैं यूनिट सर्कल. जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ना, यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल दैट मीन्स व्हाट? उसका सेंटर ओरिजिन पे है. सेंटर कहाँ पे है? दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस और उसका रेडियस वन है. रेडियस कितना है? वन. तो विच पॉइंट इज हियर? पॉइंट कौन सा होगा? वन. इतना डिस्टेंस यहां से वन है. एक्स एंड वाई के पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर y कोऑर्डिनेट आता है और x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है ना उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होता है. सो दिस वन इज 10. व्हिच पॉइंट इज देयर? दिस वन माइनस 10. x एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट जीरो. व्हिच पॉइंट इज हियर? जीरो माइनस 1. अब इतना आया तो आपको 0, 90, 180, 270 एंड 360 के साइन कॉस के वैल्यू आ गए. पहला होता है ना वो कॉस और सेकंड वैल्यू है वो साइन. अब देखो 90 पे पहला है वो कॉस. कॉस 90 कितना है? 0. सो पुट द वैल्यू 35 का स्क्वायर, 30 का 3 के बाद आता है 4, 4 के 4 3 4 जा 12 और 5 का 25. 12 का स्क्वायर 144 और दिस बिकम 2 इंटू 35 इंटू 12 इंटू 0, क्योंकि सारा क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, इसलिए मैंने उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं किया. नाउ व्हाट इज द वी स्क्वायर? 1369 और अंडर रूट क्या होगा? देयरफॉर वी इक्वल्स टू 37. क्लियर हो गया? 37 मीटर पर सेकंड. क्लियर? अब फॉर डायरेक्शन ध्यान देना. अगर आपको डायरेक्शन के लिए एंगल फाइंड करना है तो उस एंगल को हम अल्फा बोलते थे, वही 4.1 वाले न्यूमेरिकल्स में अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स. देखो यू हैव टू वेक्टर्स, आपके पास दो वेक्टर थे. आपने अप रखा था बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा. देखो ध्यान से 4.1 का अल्फा वाला फॉर्मूला देखो, 4.1 न्यूमेरिकल्स का
आपने क्या रखा था, बी साइन थीटा और ए प्लस, सॉरी 4.2 4.2 में लास्ट फॉर्मूला देखो, tan अल्फा इक्वल्स टू डी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा है, डन। तो वो जो अल्फा एंगल है ना वो भी ए के साथ ही है, इसके साथ बन रहा है ए के साथ। अब अगर इसमें मुझे वीबी के साथ बनाना है तो वीबी मैं नीचे लूंगा एक ही जगह पे, और वी आर साइन थीटा अपन वी आर कॉस थीटा वैसे कर दिया, डन। अगर आपको वी आर के साथ बनाना होता तो वी आर नीचे रखते, ये जो फॉर्मूला है आप पढ़ के आए हो, अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर शॉर्टकट ऐड कर याद, शॉर्टकट यूज करना है तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपल तरीके से जाओ, एक का एक्स कंपोनेंट दूसरे का वाई कंपोनेंट, और फिर थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स कर दो तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल मिलेगा। बट यहाँ पे मुझे अगर ए के साथ एंगल फाइंड करना है तो ए फॉर्मूला वाले, तो जिसके साथ एंगल फाइंड करना है ना वो आप यहाँ पे रखोगे। मैंने वीबी के साथ एंगल फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो वीबी यहाँ पे रखा, तो अभी ए की जगह पे वीबी आ गया, तो दूसरा बचा क्या, बीआर, तो बी की जगह पे बीआर आ जाएगा, डन। नाउ पुट द वैल्यू, टेन इनवर्स व्हाट इज द बीआर, बीआर का वैल्यू कितना था, 12 साइन 90 अपॉन बीबी का वैल्यू कितना था 35 और 12 cos 90। बट आपको पता है कि sin 90 और cos 90 का वैल्यू क्या होगा, मैंने अभी आपको एक सर्कल बताया था, sin 90 इक्वल्स टू cos 90 इक्वल्स टू 0, देख लो वो सर्कल 01 है, पहला वैल्यू cos का होता है, सेकंड वैल्यू किसका होता है sin का। अब आगे बढ़े, tan इनवर्स 12 साइन 90 कितना होता है 1, 35 प्लस 12 cos 90 कितना होता है 0, दैट मींस tan इनवर्स 12 अपॉन 35 आंसर 0.342857। That means you can say that, देखो आपको अगर tan inverse find करना है तो point के बाद चार ही digit चाहिए, तो 3428 उसके बाद आपको 10 digit find, 10 table find करना है, आपको find करना है 0.3428 0.921, अभी भी नीचे जाने पड़ेगा, तो 28 3032, ये तो बढ़ गया 3443 बढ़ गया, आपको 3428 चाहिए, तो इस लाइन में अभी आगे बढ़ो 3327 3334, ये आ गया 3424, अभी 4 अभी भी बाकी है 28 पे जाने के लिए, 24 आया लास्ट में, मुझे 28 चाहिए था, तो अभी भी 4 बाकी है, तो 4 के नजदीक कौन है 3 या 6, 3, ओके, तो ये 3 उसका आप देखने का और इसका आप देखने का क्या है n1, टोटल कितना हो गया 55, और ये वाला लाइन में ऐसे देखिए तो 18 डिग्री 55 मिनट्स 18 डिग्री 55 बाई 60 डिग्री, पॉइंट नाइन वन आया, उसमें 18 ऐड करोगे तो 18.91 डिग्री हो गया, और दैट इज अप्रोक्सीमेटली 92 डिग्री, अरे सॉरी 19 डिग्री, सॉरी अभी 19 डिग्री विच डायरेक्शन, 19 डिग्री आप लिख दोगे तो नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि 19 डिग्री जो है वो किसके साथ है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, इसीलिए
आपको ऐसे अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, और ये जो वर्टिकल एंगल है ना, अभी भी ये मेरा फिगर थोड़ा फिजिकली गलत है क्योंकि काफी बड़ा एंगल दिख रहा है, बट ये एंगल कितना है 90 डिग्री वर्टिकल के साथ, समझ में आया? अगर आप बीबी की जगह पे वहां पे बीआर लेते ना, और बीआर और बीबी का वैल्यू अगर चेंज कर देते तो आपका ये एंगल यहाँ पे नहीं, कहाँ पे आता? यहाँ पे। और कितना आता? नहीं, 90 में से 19 कट कर दो, 71 समथिंग आता। क्लियर है यादव? सो यू हैव टू मेंशन हियर बीट विच डायरेक्शन, बीबी डायरेक्शन। क्लियर? 19 आया बट डायरेक्शन गलत है बेटा। आपको ये जो वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर, ध्यान दो, ऐसे बताना पड़ेगा, और ए एंगल कितने का है? 19 का। तो विथ वी बी टूवर्ड्स इस डायरेक्शन हुआ, तो आपको लास्ट में स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा विथ वी बी वेक्टर ईस्ट। क्लियर हो गया यादव? इन लोगों ने क्यों वेस्ट लिखा है? ये वेस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? ईस्ट आएगा।